सो हाय गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइज, आज मैं आपको बता रहा हूँ जो फीड करवाने का तरीका है, फीड कैसे करवानी है। फीड करवाने के लिए आपको चाहिए बच्चे। ज़ाहिर है बच्चे नहीं होंगे तो आप फीड किसको करवाएंगे? तो फीड करवाने के लिए बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ये इंजेक्शन है, ये जो कि इंजेक्शन है नहीं, बेसिकली इसको इंजेक्टर कहा जाता है, फीड इंजेक्टर। ये आप लोग क्या करते हैं, मेडिकल जो मेडिकल इंजेक्शन होता है ना, सिरिंज वाला, आप लोग वो यूज़ करते हैं। वो भी ठीक है, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। वो 3-4 बार यूज़ करने के बाद उसका जो रबर होता है वो जैम हो जाता है, उसका पिस्टन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव सही से नहीं करता। और ये वीडियो प्रॉपर देखनी है, मजाक बात नहीं है, इसमें बहुत सीरियस चीज़ है। तो वो क्या होता है, रबर जैम हो जाता है, जिसकी वजह से आप दबाते रहते हैं और वो उसमें से फीड निकलती नहीं, और अचानक से बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो आपका पैरेट जो है वो बच्चा ख़राब हो जाता है। अच्छा, खैर अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि फ़ीड करवानी कैसे है, बनानी कैसे है, क्या क्या करना है। अच्छा, फीड सबसे पहले तो फीड कौन सी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास एक बच्चा हैंड फीड पे ना कॉकटेल का, तो उसके लिए आप इंपोर्टेड फीड ख़रीदेंगे। अगर आपकी गुंजाइश है तो ख़रीद लें, अच्छी बात है। बट अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो उसका सिर्फ एक बच्चे को पालने के लिए आप ये कर सकते हैं, सिरेलैक और आटा थोड़ा सा मिला के आप वो दे सकते हैं, सिरेलैक और आटा, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं लोग मना करते हैं ये सब देने से, बट क्या है कि जब आपके पास गुंजाइश नहीं है या एक ही आपके पास बच्चा है तो उसके लिए फिर आप मजबूरन ये काम कर सकते हैं, चल जाता है। ज़ाहिर है उसकी हेल्थ उस कैलिबर की नहीं बनती, बट चल जाता है, बच्चा पल जाता है। तो अगर आपके पास फीड आने में टाइम है या आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, तो आप उस बच्चे को कम से कम पाल दें, सिरेलैक पे ही पाल दें, बट पाल दें। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा, ये दो बच्चे जो हैं ये देख सकते हैं आप, ये हैं आज फर्स्ट डे, पहली बार फीड मिलेगी इनको। ये डर भी रहे हैं, इसीलिए बहुत गुस्से में डर रहे हैं, परेशान हैं, तो इनको आज फर्स्ट टाइम फीड मिलेगी। ये वाइल्ड है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये चूंकि मैं इसको 4 दिन से फीड करवा रहा हूँ, तो अब ये मेरा आदी हो चुका है, यानी कि मेरे से फीड खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी। तो मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ कि कैसे फ़ीड देंगे इसको। ये देख लें आप, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये फीड है, ठीक है, ये फीड है, और ये फीड है अच्छी वाली, ठीक है ना। मैं तो अच्छी वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग अच्छी आ रही है, अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए। अब बात आती है फीड की डेंसिटी की, ठीक है। और मैं बहुत जल्द कोई फीड जो है वो आपको बताऊँगा, वो आपने परचेज़ करनी है कभी भी अगर आप फीड करवाएँ। अगर आप लेना चाहते हैं फीड या इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो फीड मैं आपको बताऊँगा आप वो इस्तेमाल कीजिएगा। सारी फीड्स अच्छी होती हैं, सब जितनी भी फीड मार्केट में अवेलेबल हैं सब अच्छी हैं, लेकिन बात ये होती है कि सजेस्ट वही करें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कोशिश करें, जब ज़्यादा बच्चे हैं, इनों के बच्चे हैं, या आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, या आपके पास पैसे हैं, तो फिर आप इम्पोर्टेड फीड लें। जैसे ये मेरे पास एक अच्छी फीड है, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब इस फीड की डेंसिटी कितनी रखनी है, देखें। बहुत, अगर आप सिरेलैक बना रहे हैं ना, तो थोड़ा गाढ़ा हो, और ना ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक है, इतनी हो। देख रहे हैं, अब ये ऐसे गिर रही है कि छींटे भी नहीं आ रही। अगर छींटे आएंगी ना गिरने पे, फीड गिराने पे अगर छींटे आती हैं, पहले इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ, यार कैमरा हिलेगा थोड़ा सा, आपने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ही काम बनेगा। अच्छा, अब ये जो फीड है ना, इसके मैं आपको डेंसिटी का बताता हूँ, डेंसिटी आपने कैसे रखनी है, क्योंकि डेंसिटी का गेम है भाई, सारा गेम डेंसिटी का है। अब ये फीड है, ठीक है, ये फीड अगर आप गाड़ी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो क्या होता है, जब आप नीचे गिरा रहे होते हैं ना, तो वो बहती भी नहीं आती, वो लटक के आती है। तो बहुत ज़्यादा अगर हाई डेंसिटी की है तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत लो डेंसिटी की है तो भी ठीक नहीं है। अब ये जो है ना, अब लो डेंसिटी कैसे पहचानते हैं, लो डेंसिटी पहचानने का तरीका ये है, पतली फीड को पहचानने का तरीका ये है, जब आप उसको ऊपर से गिराएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, छींटे गिरेंगी, यानी नीचे गिरने के साथ छींटे पड़ेंगी। जैसे वो नीचे गिरेगा तो वो छींटे पैदा करेगा प्याले के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फीड है वो बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है। अच्छा, मोटी फीड की क्या पहचान है, मोटी फीड की बताया ना आपको कि वो नीचे गिराने में आपको मुश्किल हो रही होगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि छींटे आएँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं इंजेक्टर के ऊपर। ये आपने इंजेक्शन में फीड भरने से पहले आपने अपने पास जो है ना, याद रखें, बहुत ज़रूरी, एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास साफ़ सुथरा सा, ठीक है। और इंजेक्शन जो है, जब भी फीड करवा दें तो इंजेक्शन में क्या किया करें, जब भी फीड करवा दें तो ऐसे कोई भी प्याले में साफ़ पानी रख के ना इसको अंदर खींच लिया करें साफ़ पानी को, और फिर ऐसे रिलीज़ कर दें बाहर। ये खिलाने के बाद की बात कर रहा हूँ, फिर दोबारा अंदर करें और फिर बाहर कर दें, इससे ये होगा आपका इंजेक्शन साफ़ हो जाएगा, और बाहर वाली जगह जो है वो किसी पानी से थोड़ी सी अंदर डुबो के ना धो के, और उसको ऊपर साफ़ कर लें कपड़े से।
इससे ये होगा कि आपका इंजेक्शन साफ रहेगा, ताकि अगली बार जब आप दोबारा फीड करवा रहे हैं तो उसमें कोई रेजिड्यू बाकी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी रेजिड्यू बाकी रह जाएगा तो वो बच्चे के गले में फंस सकता है, आपको फीड करवाते हुए भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये अभी धुला हुआ है, साफ़ है। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत ब्राउन हो रहा है, ये जंग आया हुआ है। जंग से मुराद ये कि जो जिस जगह पे इसको रखा था ना, तो इसका कलर चेंज हो गया है पाइप का, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रहा है तो इस पाइप का कलर ही चेंज हो गया। कोई भी वाइट चीज़ अगर आप रखेंगे ना ज़्यादा टाइम, ट्रांसपेरेंट होगी या वाइट होगी, तो वो कुछ दिन बाद पीली होना शुरू हो जाएगी। तो ये है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि बच्चों में ये याद रखें कि आपने एक एक बच्चा अलग अलग रखे रख सकते हैं तो बहुत अच्छा पलेगा। अब ये देख रहे हैं ये ब्लैक वाला क्या कर रहा है, ये इसके मुंह पे मार रहा है, इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, क्योंकि ये खाना मांग रहा है। ठीक है, ये बड़ा बच्चा है ब्लैक वाला, अब अपने होशो हवास में फ्रेंडली है, तो ये उनको मार रहा है, पकड़ रहा है ना खींचने के लिए, अभी उनकी आंखों पे तंग कर रहा है उनको। तो इसीलिए एक बच्चा एक पार्टीशन में रखें, आपका बच्चा ज़ाया नहीं होगा, वरना आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे। ये एक बच्चा जो है ना, ये इन सबको ख़राब कर सकता है। देख रहे हैं अभी आप कि कैसे मुँह पर मारने लग जाता है, टच करता है उनके, तो इस तरह क्या होता है बाकी सारे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई एक भी जो है ना शरारतें कर रहा है तो वो आँखों में फिर मारता है चोंच, इधर उधर आँखें ख़राब करता है बाकियों की, उनके फैदर्स ख़राब करता है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये देखें। अब आप बोलेंगे कि पेरेंट्स जब पालते हैं बॉक्स में तब भी तो बच्चे साथ होते हैं, नहीं, पेरेंट्स जब पालते हैं ना तो वो चोंच से खिलाते हैं, ठीक है ना, चोंच से खिलाते हैं और वो टाइमली खिला देते हैं ना हर वक्त, वो जब भी बच्चों को भूख लग रही है वो खिला रहे हैं। अब जब आप बच्चा थोड़ा सा भी भूखा होगा, आप सो रहे हैं, तो ये बच्चा भूखा ये सबका मुंह जो है ना पकड़ पकड़ के हिलाएगा, इसको लगेगा शायद ये फीड देंगे या जो भी है। ये देख रहे हैं अभी उतावला हुआ हुआ, ये कुछ भी कर सकता है अभी इस मामले पे, क्योंकि इसको पेरेंट्स तो टाइमली हर वक्त पेट भरे रखते हैं ना, तो जिसका पेट भरा हुआ होता है वो तो वैसी एक्टिविटी इतनी नहीं करता जितनी अभी ये कर रहा है, क्योंकि ये भूखा है। अब मुझे उठने में देर होती है, उसको भूख लग रही है, तो इस तरह उधम मचा देगा पूरे, इसमें चढ़ेगा इनके ऊपर, देखें यहाँ पर भी चढ़ सकता है बच्चों के ऊपर। ये देखें, जैसे मैं अगर हाथ यहाँ ला रहा हूँ ना, तो बच्चों के ऊपर चढ़ जाएगा, कभी कुछ करेगा, इनको पकड़ लेगा कभी। तो इससे बचने के लिए आप अलग अलग बच्चा रखें, ताकि आपके बच्चे सर्वाइव करें। ये देखें, अब ये ऐसे ये देखेगा नहीं कि ये कहाँ जा रहा है, किसको लग रहा है, ये मारेगा, वो देखें उसके मुंह पे चढ़ गया ये। तो इस तरह बच्चे ख़राब होते हैं। सबसे पहला उसूल आपका ये होना चाहिए कि बच्चा एक कंटेनर में एक ही हो। अभी मैं फीड करवा रहा हूँ, दिखाने के लिए आपको रख दिए तीनों एक साथ, तो अगर आपने एक साथ रखने हैं तो फिर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फीड करवानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ताकि इनका पेट भरा रहे, तो फिर ये ऐसे नहीं करेगा जिस तरह ये अभी कर रहा है। देख रहे हैं आँख पर अटैक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इसको बाहर रख देते हैं थोड़ी देर, ताकि तंग ना करे। ये यहाँ रख दिया मैंने, और अब मैं आपको बताता हूँ फीड भरने का तरीका। अच्छा, कितने ml होनी चाहिए उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मतलब ml के हिसाब से एग्जैक्टली कितने ml देनी चाहिए, ml का हिसाब मुझे नहीं पता। ये जो पूरी सिरिंज है 30 ml की है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, ये 10 ml लिखा हुआ है सामने, हल्का सा ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये 10 ml है, ये देखें नीचे 15 लिखा हुआ है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। ठीक है, तो 5-5 ml के हिसाब से इसके डॉट्स हैं। अब एक बच्चे को कितने ml देनी चाहिए, उसकी कितने उम्र के बच्चे को कितने ml देनी चाहिए, कब तक देनी चाहिए, वो सब आपको नेट पर मिल जाएगा, बट अभी मेरा तो अंदाज़ा इतना अच्छा है कि मैं अंदाज़े से डालता हूँ, जहाँ उनका पेट पूरा हो जाता है वहाँ मैं छोड़ देता हूँ। ml वाला बंदा फंसता है, वो सारी ज़िंदगी ml लकीर का फ़कीर रहता है। अब एक दिन का बच्चा जितने ml ले रहा है, जाहिर है वो बड़ा होगा, उसका पाउच बढ़ा जाएगा, उसकी खुराक बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा ml देनी पड़ेगी, तो ml वाले बंदे को सारी ज़िंदगी ml नोट करने में निकल जाती है। तजुर्बा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बगैर ml के भाई, ये पूरी भर ली मैंने, पूरी इसलिए भर ली क्योंकि मुझे पता है 3 बच्चे हैं तो इस्तेमाल हो ही जाएगी। ठीक है, पूरी से मुराद ये कि इतनी जितनी आ गई है भर ली है, सही है। अब ये आपने क्या करना है, भरने के बाद डायरेक्टली मुँह में नहीं डालनी उनके, पहले इसको साफ़ करना है, क्योंकि बाहर जो लगा हुआ है ना वो गिरेगा। ठीक है, साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा पहले से फीड कर रहा है ना, जिसको 3-4 दिन हो गए, इसको पहले दिन ज़बरदस्ती करवाई थी ना, तो ज़बरदस्ती क्यों करवाई थी, क्योंकि पहले दिन का बच्चा तंग करता है। तो मैं आपको दोनों बच्चे फीड करवा के दिखा देता हूँ। पहले हम उसको करवाते हैं जो कि तंग नहीं कर रहा, जिसको पहले से हमने फीड करवा चुके हैं और जो इजीली फीड दे रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें ये कितने आराम से ले रहा है, ये देखें ऐसे आराम से आपने पाइप घुसाना है, आराम आराम से दें। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कितनी देनी है, तो आप आराम आराम से दे दें, कम दे देंगे ना मसला नहीं है, कम दे दें, बार बार दे दें मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पेट भर देंगे फिर ये उल्टियां करेगा, और जो उल्टियां करना शुरू कर देना उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें मैं इसको आराम आराम से दे रहा हूँ, जब तक इसका गला भी चेक कर लेता हूँ। आराम आराम से देने का फ़ायदा ये, आप दे देंगे ना गला चेक कर सकते हैं कहाँ तक भर गया। ठीक है, और स्लोली स्लोली इंजेक्शन को मूव करना है, ज़्यादा तेज़ी से आपने नहीं करना है इंजेक्शन को मूव। ये देखें साइड से आपने घुमाना है, ज़बान चेक करनी होती है कि ज़बान पे ना लग रहा हो। ठीक है, ये देखें, ये देख लें,
अच्छा, अभी इसका पेट नहीं भरा, मैं आपको छोटे बच्चों को दिखाऊंगा जब मैं कितने हिसाब से डालता हूँ क्या करता हूँ। ये देखें जी, इसका गला, अब इसको चेक करूँगा मैं कि ये मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। अभी भी मांग रहा है, थोड़ी सी और दे देंगे, क्योंकि मांगते तो ये रहते हैं, इनको नहीं पता चलता। ये देख लें आप, अब ये नहीं मांग रहा, ठीक है, अब ये नहीं मांग रहा, और अब ना मांगने से ये हो रहा है कि इसका पेट भी तो भर चुका है, खैर, और दूसरा ये कि ये नज़र भी आ रहा है कि पेट इसका भरा हुआ है। ये देख लें, अब मैं आपको पहचान बता देता हूँ, पहचान क्या है, ठीक है, पहचान ये है, अब ये बच्चा छोटा है ना, तो इसके फैदर्स भी आ गए हैं, इसको देखने में इसका गला कहाँ तक भरा है बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फैदर्स आ गए ऊपर। अब आपने पहचानना कहाँ से है, पहचानना यहाँ से, आँख देख रहे हैं आप इसकी, आँख, जहाज़ चला जाए यार, जहाज़ ने माँ बहन कर रखी है सब, जहाज़ चला जाए फिर हम करते हैं, हाँ जहाज़ चला गया, ये इसकी आँख है, आँख के बिल्कुल नीचे गर्दन शुरू हो रही है, ठीक है, ये देखें, ये जब ये फीड यहाँ तक आपको, क्योंकि नज़र आती है ना ट्रांस फीड, तो इसका गला जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, देखें ये देखें नीचे नज़र आ रहा है, सही है। अब यहाँ तक इसकी गर्दन की, यहाँ तक जब फीड नज़र आना शुरू हो जाए, विजिबल हो जाए, यहाँ तक आ रही है ना, विजिबल हो गई, अब अगर आप फीड करवाएंगे तो इसने उगलनी है भाई, इसने उगलनी है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे मांगते ही रहते हैं, पेट भर जाए तब भी मांगते रहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली पाउच में उतार रहे होते हैं ना, तो उनको जायका मिलता नहीं है उस तरीके से, तो वो हर वक्त ही मांगते ही रहते हैं, तो वो भी आपने ख्याल रखना है, ओवर फीड नहीं करवानी, ओवर फीड करवाएंगे तो फिर वो उल्टियाँ करेगा बाद में, उस टाइम तो खा लेगा बाद में उल्टियाँ करेगा। फीड कम दे दें, जितनी कम दे देंगे तो मसला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम दे देंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये बच्चा है, आपको दिखाता हूँ यार, एक तो ये गले में सेट नहीं हो पा रहा जो मैंने टांगा हुआ है ना, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हो जाए, बस कोशिश की है हो जाए। अच्छा, ये हो गया बच्चा, अब कराएंगे पहले दिन के बच्चे को फीड, फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार करवा रहे हैं हम, तो ये लेगा नहीं इतने आराम से, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको किस तरह दे रहा हूँ। ये देखें कितना तंग कर रहा है, इतना ही तंग आपको करेगा जब तक 3-4 दिन नहीं होते ना, ये देखें ये कितना तंग कर रहा है। इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, थोड़ा सा हार्डली पकड़ना है, हार्शली पकड़ लें बेशक, आप बेशक बदतमीज़ी से पकड़ लें, बदतमीज़ी नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हिलेगा और फीड गिर जाएगी। फीड अगर गिरेगी ना इसके मुँह के आसपास तो भाई ये ख़राब हो जाएगा बच्चा, फीड गिरानी नहीं है आपने। ये आपने डाली साइड से, जैसे ही मैंने साइड से डाली ये ज़बान ले आया ऊपर, तो इसकी ज़बान को हटाने का, ये देख रहे हैं आप फड़फड़ा रहा है, ये इस तरह करेगा आप। अच्छा, जैसे ही ये पलट जाए ना पकड़ने पे आपके, ये पलट जाए तो छोड़ दें उस वक्त फीड दबाएं ना, फीड करवाने के लिए, क्योंकि फीड गिर जाएगी आप। अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, आई एम ट्राइंग अगेन। शुरू में आपको प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, जब ये तंग करेगा तो उस टाइम पर प्रॉब्लम होगी। ये देखें, आपने रूडली पकड़ना है, हार्शली, भले बेटा भाग, पहले थकने दें इसको, जो करना है कर लीजिए, करने दें इसको, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये देखें, ये जोर मारेगा, मारने दें इसको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे की फीड है ना, एक तो हो इतना बड़ा गया है, अगर आप इतना बड़ा बच्चा लेंगे तो वो यही करेगा भाई, गुलाठियाँ मारेगा। अब ये बच्चा इतना नहीं करेगा, इससे छोटा लेंगे तो और आसान हो जाएगा, इतना लेंगे तो फिर भी आसान है, बट ये जो उम्र है ना ये तंग करने वाली है, क्योंकि बहुत लेट कर दिया इसको हैंड फीड पर उठाने में, पहले उठाते तो डर इसको इतना नहीं लगता, अब चूँकि ये बड़ा हो गया अपने वालदैन को पहचानता है तो इसको टाइम लगेगा सेट होने में। जैसे ही मैंने मुँह के अंदर डाला, ये ज़बान आगे ले आया, तो मैंने इंतज़ार किया कि ज़बान जब ये स्ट्रेट करेगा तो ही अंदर डालूंगा। ये देखें, अब मैंने अंदर डाल दिया, और चूंकि फ़र्स्ट टाइम पाइप अंदर गया, इसको आदत नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत फड़फड़ा रहा है, ठीक है, थोड़ी सी फीड करवाई, क्योंकि नया फर्स्ट टाइम फीड ले रहा है तो फीड उगल देगा, इसलिए कम करवाई और चेक किया कि भाई कितनी फीड है इसके गले में, क्या हिसाब किताब बन रहा है, और पहले से पेरेंट्स ने भी करवाई हुई थी ना, तो इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमने कितनी करवानी है और पेरेंट्स ने कितनी करवाई हुई है। तो मेरे ख़्याल से फीड और हो सकती है, ठीक है, इसको अब और फीड करवाएंगे। आ जाओ मुन्ने, ये डाला, ये देखें मुंह से अगर गिर रही है फीड तो हाथ से हटा लें आगे से, ठीक है जी, फीड इसके चली गई है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि फीड करवाने से पहले आगे हाथ ऐसे रख लिया करें, देखें ऐसे आप पकड़ लेंगे ना, अगर
अब क्या होगा, अब इंजेक्शन जो अगला ना करे, अगर ये उगलता है तो आपने ऐसे ही पकड़ के यूं निकाल देनी है जो भी ये उगल रहा है, ताकि इसके इन साइड्स पे फीड ना लगे, ये इस गाल पे फीड नहीं लगनी चाहिए। तभी तो इस तरह हाथ रखा जाता है फीड करवाने से पहले, ताकि इधर इधर ना लगे, आप आराम से मुंह भी खोल लें और पाइप भी अंदर चली जाए। तो ये जो है इसको फीड करवा दी हमने, अब इससे छोटा वाला आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये भी पहली बार फीड करवा रहे हैं, इसको फर्स्ट डे फीड है। फर्स्ट डे का मतलब ये नहीं होता कि ये एक दिन का है, फर्स्ट डे का मतलब होता है कि हम इसको हैंड फीड पहली बार दे रहे हैं पेरेंट्स से अलग करके। तो अब ये भी पेरेंट्स से अलग करके फीड ले रहा है, इसको भी गुस्सा आएगा थोड़ा बहुत, ये भी तंग करेगा, मगर उतना नहीं करेगा क्योंकि इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये डरे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करवा रहा हूँ। इसको लिया, पहले मैं आपको इसका गला दिखा दूं। ये देख लें जी, गला पहले से भरा हुआ है इसका, क्योंकि पेरेंट्स से अभी भी अलग किया है तो फीड है इसके गले में। ये देखें जी, ऐसे पकड़ा फीड इसकी, पाइप अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद फीड जो है आराम आराम से पंप करना शुरू कर दी। पंप किया फीड और माशाल्लाह से इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ये, आपको भी महसूस हो गया होगा, बड़े वाले से बहुत बेहतर रहा है ये, ठीक है, बड़े वाले से काफ़ी बेहतर रहा है। और मैं आपको डेली बेसिस पे बताता चला जाऊंगा कि भाई फीड के क्या असरात पड़ रहे हैं, या फीड कितनी काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, बर्ड की हेल्थ पे क्या असर है। जूम कर लेते हैं ज़रा सा, गला चेक कर लें। वैसे तो खैर अब ये गला भर गया, इससे ज़्यादा फीड कोशिश करें ना दें, देख रहे हैं आप गला भर गया है, इससे ज़्यादा ना दें क्योंकि आप अभी जाग रहे हैं, ये मगरिब का टाइम है, अभी तो इसने और भी फीड करवाएंगे इसको रात में, तो प्रॉब्लम नहीं है। कम कम फीड अगर चार चार घंटे बाद, तीन तीन घंटे बाद भी करवानी पड़ रही है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से इसको फीड करवाइए, और अब इनके शायद मुझे लग रहा है कि सेपरेट करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत तंग करेगा इनको, बड़ा वाला जो बच्चा है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।